हाय एवरीवन, आज हम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे आईआईटी जेएम सीएसआईआर नेट गेट मैथमेटिक्स के लिए। वो सारे बच्चे जो आईआईटी जेएम 2024 सीएसआईआर नेट गेट के लिए अपियर होने जा रहे हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन है। लेट पीएन एक्स, आप ध्यान से देखिएगा कि लेट दिस पीएन एक्स इज एक्स पावर एन एंड कैपिटल पी इज स्पैन ऑफ पी नॉट पी वन पी टू डॉट डॉट डॉट। इसके स्पैन से लिया गया कैपिटल पी को, करें कि देन कैपिटल पी इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। कैपिटल पी इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, कैपिटल पी सब स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। और तीसरा ऑप्शन है कि P नॉट P1 P2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिलोंग्स टू कैपिटल P। ये क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन बड़ा दिखे आप समझिएगा आंसर बहुत छोटे में होगा उसका। टेक्निकल टर्म यूज किए गए हैं, आप इसको इसका सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपको एक काम करना है, हाउ टू टैकल में ये है कि ये जो कैपिटल पी है ना, दिस कैपिटल पी इज लीनियर स्पैन ऑफ दिस, तो इसके स्पैन को आप लिख लीजिए। और इसके स्पैन को लिखने के लिए आपको क्या करना है, पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री डॉट 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 ये निकालना है। तो जब आप पी वन पी टू पी थ्री डॉट 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 इसको ले आएंगे, तो आप ले आएंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए। आप हियर पी एन एक्स इज एक्स पावर एन, दिस इंप्लाइज पी नॉट एक्स, एक्स को हम लोग साइलेंट कर देंगे थोड़ी देर में, दिस इज एक्स पावर जीरो मीन्स वन, पी वन एक्स इज एक्स पावर वन मीन्स एक्स, पी टू एक्स इज एक्स टू एक्स टू, पी थ्री एक्स इज एक्स पावर थ्री, पी फोर एक्स इज एक्स पावर फोर एंड इज डॉट डॉट डॉट, मीन्स आप ऐसे लिख लेंगे इसको। अब अगर ऐसे लिखा तो कैपिटल पी क्या है, कैपिटल पी इज स्पैन ऑफ पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वन एक्स x2, x3 डॉट 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 ये है। और इसे आप लिख सकते हैं कि c0 टाइम्स 1 प्लस c1 टाइम्स x प्लस c2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ओवर r। ओवर r मीन्स जो ci's हैं वो r से हैं, ci's r से हैं। तब कह रहे हैं कि ये जो है कैपिटल P, पहला ऑप्शन आप देखिए क्या, अब आपका निकल गया कि कैपिटल P क्या है, ऐसा है। तो कैपिटल पी जो है ना, ये कैपिटल पी है, जब आप सी आईज की वैल्यू रखेंगे, जैसे सबको जीरो किया जीरो, फिर वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरीके के इसमें एलिमेंट मिलते चले जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे, ऐसा नहीं केवल यही रहेगा अकेला होगा, ऐसा नहीं, दोनों तरह के एलिमेंट इसमें मिलेंगे आपको। अब ये रहा पहला ऑप्शन दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कह रहे कि P इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जो ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप देखिए सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन, और P क्या है, इसके इसके कॉम्बिनेशन से आया। तो जब आप लिखेंगे e पावर x भी तो रियल वैल्यूड है, डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, इसका एक्सपेंशन मत करके लिख दीजिएगा, साइन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू पी, है ना। तो ऐसे बहुत से फंक्शन हैं जो इस कैपिटल पी के मेंबर नहीं है। तो जब कैपिटल पी के मेंबर ही नहीं है तो कैपिटल पी सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है पहला, ये क्या है, इनकरेक्ट है। अब आप देखिए खुद जो पी है, पी जो है वेक्टर स्पेस बनाएगा, दिस फॉर्म्स वेक्टर स्पेस,
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि किसी भी पॉइंट का अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो भी एक सब स्पेस बनाता है। और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तो जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है वन एक्स एक्स टू डॉट 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 दीज लीनियर स्पेन ऑफ ऑल दीज फॉर्म सब स्पेस, और सब स्पेस बनाएगा बट सब स्पेस ऑफ पॉलिनामियल्स होगा। दिस इज स्पेस ऑफ पॉलिनामियल्स आर सब स्पेस ऑफ पॉलिनामियल्स एंड सब स्पेस ऑफ पॉलिनामियल या स्पेस ऑफ पॉलिनामियल्स ओवर आर इज सब स्पेस ऑफ सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर आर। एग्री कर रहे हैं आप ना कि स्पेस ऑफ पॉलिनामियल्स मीन्स वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनामियल्स ओवर आर इज सब स्पेस ऑफ पॉलिनामियल्स ओवर सेट ऑफ ऑल पॉलिनामियल्स स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनामियल्स ओवर आर इज सब स्पेस ऑफ सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये जो है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि पी नॉट पी वन पी टू डॉट डॉट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप देखिए यहां से जब भी आप इसको लिखे तो इस तरीके से आया ना, एंड दिस इज एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर हो गए तो फिर क्या हो गया आपका, ये आया कि दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सही हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिलोंग्स टू कैपिटल पी, कैपिटल पी में क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है, और सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आएगा नहीं। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप ऐसे मत लिखिएगा कि साइन एक्स इज, आप जैसे लिखेंगे कि क्यों नहीं आएगा, आप बोलेंगे साइन एक्स इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स पावर फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव, और इस तरीके से लिख दिया जाए कि ए नॉट मीन्स जीरो इंटू वन प्लस वन इंटू एक्स माइनस प्लस ये कोफिशियंट ले लें एक्स क्यूब, ऐसे ऐसे तो आ ही गया नहीं। दिस इज नॉट सेम, दिस इज इक्विवेलेंट टू साइन एक्स इज अप्रॉक्सीमेटेड एज, साइन एक्स इज अप्रॉक्सीमेटेड एज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव एंड डॉट डॉट डॉट। साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू, वो इक्वल होता नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन है उसका वहां पर, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखेंगे कि दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू दिस पी। तो ऑप्शन बी एंड सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ इक्वेशन? तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़िए ना तो इस तरीके से देखिएगा कि एक्चुअल में ये इसमें है कि नहीं, है ना। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 2015 में आया हुआ था एग्जामिनेशन में, ठीक है, जून में देख लीजिएगा 2015। और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए इसके बाद, ये क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सब स्पेस ऑफ आर टू, आर टू का सब स्पेस कौन बनाएगा? ए है डब्लू वन, डब्लू वन है एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर टू सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, बी डब्लू टू एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर टू सच दैट एक्स माइनस वाई इज जीरो, एंड सी ये जीरो है दिस इज जीरो, एंड सी डब्लू थ्री एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर टू सच दैट एक्स प्लस वाई इज वन, एंड डी डब्लू फोर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर टू सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। तो सब स्पेस के लिए तो आप क्लियर है ना कि पहली जो रिक्वायरमेंट, उसमें तीन रिक्वायरमेंट होती हैं सब स्पेस फॉर्म करने की, आइडेंटिटी हो, क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन हो, और क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो। तो सबसे पहले आपने ये भी देखा कि एनी स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन इन आर टू फॉर्म सब स्पेस ऑफ आर टू, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन सब स्पेस बनाएगा। बट ये जो है डज नॉट कंटेन ओरिजिन, आइडेंटिटी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो
तो ऑप्शन ए बी करेक्ट एंड सी एंड डी आर इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो सब स्पेस वेक्टर स्पेस से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आप जरूर इसको थोड़ा सा देखते रहिएगा और इस पर सतर्क रहिएगा, आपने पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो जरूर फोकस किए रहिएगा। एंड ऐसे ही क्वेश्चन की बहुत सारी सीरीज आपको दी जाएंगी। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।